घाटे का व्यवसाय नहीं रहे, इसमें नए प्रयोग की पूरी संभावना है। इन संभावनाओं की बदौलत कई किसानों ने मिसाल कायम की है, इन्होंने ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया है और दूसरे किसानों के प्रेरक बने। ऐसे ही किसानों में हैं बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के आलोक मौर्य। आलोक धरती से सोना उपजाने में लगे हैं। ये अपनी जमीन पर जैविक तरीके से बैंगन, आलू, गोभी, टमाटर और ब्रोकली जैसी पौष्टिक सब्जियों के उत्पादन में इन्हें काफी सफलता मिली है। इसके अलावा बागवानी में ये केला की भी खेती कर रहे हैं। मेरा नाम आलोक मौर्य है, मेरा प्रखंड जयनगर पड़ता है, मधुबनी जिला घर है, गांव कमलारी पूरब टोल हो गया। मैं टमाटर का खेती किया हुआ हूँ, ब्रोकली का, गोभी का किया हुआ हूँ, इसके बाद आलू लगाए हुए हैं, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जैसे पटवन का काम बहुत आसान हो जाता है हमारा, बिजली का ना बिजली लगता है ना डीजल जलता है, तो उसमें हमारी भी बहुत अच्छी बचत हो जाती है। मेरा केला का एक एकड़ में खेती है, लमसम सालाना हमारा 5 लाख का मोटा मोटी आ जाता है आमदनी। आज हमारा सालों भर जो है सो आमदनी का स्रोत बना हुआ है, सब्जी से, केला से, ये सब के माध्यम से हमारा सालों भर का आमदनी। बच्चे सबको भी अच्छे स्कूल में कन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, हमारा भी आर्थिक स्थिति का सुधार हो गया है। हाँ, सब चीज़ जो है सो खेती के माध्यम से जो है सो मेरा आमदनी का पूरा ये हो रहा है। आलोक मौर्य पशुपालन को खेती का अहम हिस्सा मानते हैं। इन्हीं पशुओं के गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट बनाकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके उत्पादों की बाजार में काफी मांग है। ये सब्जी जैविक के द्वारा उत्पादन किया गया है, ब्रोकली है, ये 100 रुपये केजी यहाँ हमारे यहाँ जो है सो बिकता है, और बहुत जो है सो लोग जो है सो लेते हैं कि आपका जैविक का खेती द्वारा उपजाया गया फसल है वो हमको चाहिए, और पेस्टिसाइड से जो उपजाया जाता है, लोग यहाँ पे बहुत गैस की शिकायत है, बहुत सारी समस्या हो रही है, इस चलते मेरा जो है सो गोभी का, गोभी है, आलू भी है, हाँ जैविक विधि से वो लोग तुरंत ले लेते हैं। आलोक एक सजग किसान है, इन्होंने जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हमेशा जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, विभाग की योजनाओं से भी लाभ प्राप्त करते हैं। पानी की बचत के लिए इन्होंने अपने खेतों में ड्रिप भी लगवाया है। आत्मा के मार्गदर्शन में इन्होंने आधुनिक विधि को अपनाया है और मुकाम हासिल की है। मेरा ड्रिप लगा हुआ है, जिससे पानी का बचत होता है, जितना ही पानी चाहते हैं पौधा को देना चाहते हैं उतना ही पानी हम देते हैं, इससे फल का पैदावार ज़्यादा होता है और पानी का भी बचत ज़्यादा हो जाता है। पहले तो हम ऐसे ही जैसे लोग करते थे मेड़ बना के, या जैसे लोग फ्लैट में पूरा खेत पटवन करके करते थे, उसी तरह हम करते थे खेती, तो उसमें पौधा भी बहुत ज़्यादा मर जाता था, लेकिन हम आत्मा के द्वारा बहुत सारी जगह गए, प्रशिक्षण हमको मिला, तब हमको बताया कि ड्रिप के माध्यम से खेती कीजिए, मेड़ पे जो है सो फसल का रोपाई कीजिए, इससे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो हम कहीं कहीं आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण जो लिए तो हम सीखे, इसके बाद हम अपना खेती करना शुरू किए, तो हमको ड्रिप लगाए तो उसमें भी सरकार के द्वारा 90% अनुदान मिला, और उसे ड्रिप लगाने के बाद हमारा फसल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, आमदनी भी बढ़ गया उससे।